हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो इंडेक्स में अब मेरा व्यू बेरिश है यहाँ से, और आज के लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशंस भी बनाया 9960 के आसपास, एंड कल अगर गैप अप होता है तो भी मैं वापस 50% शॉर्ट पोजीशंस और बनाने वाला हूँ। अभी मैंने 50% शॉर्ट लिया है और क्लोजिंग के टाइम पे कल सुबह और 50% शॉर्ट पोजीशंस लूंगा अगर कुछ गैप अप खुलता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो। मैंने शॉर्ट पोजीशंस क्यों बनाया उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहले, मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करता है, ठीक है। मार्केट वन साइडेड कभी भी ऐसे नहीं जा सकता है, इट हैज टू गिव अ रिट्रेसमेंट, देन इट विल कंटिन्यू इट्स अपट्रेंड। अब ये वीक में एक बहुत बड़े अपमूव हमें देखने को मिल चुका है, लास्ट थर्सडे से लेके ट्यूजडे तक ये 5-6 दिन में अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट रैली हमें देखने को मिल चुकी है। मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास है हम, एंड मुझे लगता है यहाँ से बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि कल वेनेसडे एंड थर्सडे है तो वीकली एक्सपायरी है और नॉर्मली वेनेसडे को मूवमेंट आता है, सो बिकॉज ऑफ एक्सपायरी मुझे लगता है यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, एंड प्रॉफिट बुकिंग के कारण निफ्टी फॉल हो सकता है 9700-9600 तक। सो 200-300 पॉइंट फॉल का मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 9600-9700 टिल थर्सडे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है टिल 9600 एंड 9700। चाहे मैं बोलूँ चाहे कोई भी आपको बोले, यू हैव टू डू योर रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपना रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड लेना है, कि मनीष सर ने बोला है तो आप क्वांटिटी में ट्रेड ले लो और विदाउट एनी स्टॉप लॉस खड़े रहो, ऐसा नहीं करना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, प्रॉपरली रिस्क को फॉलो करना है, अपना जो रिस्क एपेटाइट है उससे ज्यादा कभी पोजीशंस नहीं लेना है, करेक्ट। मैं भी मेरा क्वांटिटी के हिसाब से ही, रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड करता हूँ। अगर मैं रॉन्ग होता हूँ यहाँ पर तो मैं मेरा स्टॉप लॉस लॉस एक्सेप्ट करके निकल जाऊंगा, बट आई विल नॉट वेट, आई विल नॉट फाइट विद द प्राइस। सो आपको प्राइस के साथ फाइट नहीं करना है। यहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लॉजिक के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन केस अगर आपका व्यू रॉन्ग होता है और कल बैंक निफ्टी 21,000 भी टच कर देता है तो आपको प्राइस के साथ फाइट नहीं करना है, लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना है। बट कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स 1 आवर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी, बट सेकेंड हाफ में मुझे लगता है फॉल हमें देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग फॉल, एंड एक्सपायरी डे तक मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आज क्लोजिंग के टाइम शॉर्ट पोजीशंस फॉर्म किया है। बैंक निफ्टी पर अगर आप देखें सेम स्ट्रक्चर है, एबनॉर्मल मूव है, मार्केट कभी भी ऐसे वन साइडेड नहीं जाता है, इट हैज टू गिव अ करेक्शन देन इट विल मूव अप। सो यहाँ तक मुझे लगता है करेक्शन आ सकता है 19,600-19,700 तक, लेट्स सी। बट अगर इसमें 21,000 के ऊपर भी कल अगर चला जाता है तो डेफिनेटली आई विल स्ट्रिक्टली फॉलो माई स्टॉप लॉस, एंड एक प्रॉपर लॉस लेकर, जो मैंने लॉस डिसाइड किया हुआ है कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, वो लॉस लेकर मैं एग्जिट कर दूंगा। आपको भी अपना लॉस डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपना रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा, एंड आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही क्वांटिटी में ट्रेड करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मेरा व्यू बेरिश है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये वन साइडेड चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज एज अ ट्रेडर मैं बात करूँ तो कोई भी स्टॉक ऐसे वन साइडेड नहीं जा सकता है। इट हैज टू गिव अ रिट्रेसमेंट, इट हैज टू रेस्पेक्ट द रेजिस्टेंस, बिकॉज इतना रन अप होने के बाद मल्टीपल रेजिस्टेंस के आसपास है, एक रिट्रेसमेंट फॉल एक्सपेक्टेड है एनी टाइम। हो सकता है कल गैप डाउन ओपनिंग होके भी फॉल स्टार्ट हो सकता है, या फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होके भी फॉल स्टार्ट हो सकता है। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में, थर्सडे दोनों ट्रेडिंग सेशन में आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, एंड क्वांटिटी आपको एज पर योर रिस्क के हिसाब से ही करना है। से आप ये चीजें साइकोलॉजिकल चीजें हैं और आप एक ट्रेडर से सीख रहे हो, आप ये सीख रहे हो कि एक ट्रेडर कैसे सोचता है ऐसी सिचुएशन में। तो ये चीज आपको कोई सिखाएगा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी साइकोलॉजिकल चीजें लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इतने बड़े एबनॉर्मल मूवमेंट के बाद कैसे एज अ ट्रेडर आपको सोचना है एंड कैसे आपको ट्रेड लेना है। आई होप ऑल ऑफ यू अप्रिशिएट दिस। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में व्यू बेरिश ही है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियो में जी एंटरटेनमेंट बाय दिया था, अगर आपको याद है 183 के आसपास मैंने बाय दिया था ये, एंड आज प्राइसेस हो गया 199। अगर आपने इसमें पोजिशनल ट्रेड किया होता 2-3 दिन में आपको एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट होता है इसमें। उज्जीवन अगर आपको याद है मैंने बाय दिया था, इसमें भी एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिला। HDFC लाइफ आज लास्ट वीडियो में मैंने दिया था 515 के नीचे, आप देख सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, इसमें भी आज इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा बना।
आईजीएल मैंने दिया था 470 के नीचे, सेल 470 के नीचे गया ही नहीं, इसमें हमारा ट्रेड टिगर नहीं हुआ है। जुबिलेंट फूड में मैंने लास्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रेड दिया था, अगर आप देखो जुबिलेंट फूड आज स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही टारगेट आ गया था। अगर आप देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ओपन हुआ है प्राइजेस, और ये यहाँ पर ये तीन कैंडल में ही टारगेट अचीव हो गया है। तो जुबिलेंट फूड में तो स्टार्टिंग में आधे घंटे में ही इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया था इंट्राडे में, उसके बाद प्राइजेस ऊपर मूव हुआ है। तो जुबिलेंट फूड एंड एचडीएफसी लाइफ, ये दोनों ट्रेड में काफी अच्छा पैसा बना है। अगर आपने प्रॉफिट कमाए ये दोनों ट्रेड में तो डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यस वी मेड प्रॉफिट। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा क्यूमिंस इंडस्ट्रीज। क्यूमिंस अगर आप देखें तो एक नेगेटिव सेटअप है इसमें, एक रैली हुआ था एंड कल इसमें एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो चुका था। अब मुझे लगता है ये सेटअप बहुत नेगेटिव है और यहाँ से मुझे लगता है करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। 375, 376 के लेवल के नीचे अगर जाता है तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल पे एक्जैक्टली शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर आप देखें एक्सट्रीम रनअप हुआ इसमें, ऑलमोस्ट 25% रैली हमें देखने को मिली। अगर आप देखें यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुआ है 1950 से लेके ऑलमोस्ट 2375, 25% का रैली हमें देखने को मिला है। डेफिनेटली इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा ही, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेडर्स हैं जो इतना बड़ा प्रॉफिट शॉर्ट टाइम में मिल रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे। एंड कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा बजाज फाइनेंस। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल भी अगर आप देखें नेगेटिव सेटअप है, एक अच्छा खासा रनअप हुआ एंड अगेन अ बेरिश कैंडल है। और अगर आप देखें यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन हुआ है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया, एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन है। फॉल्स ब्रेकआउट है मतलब डेफिनेटली अगर यहाँ से फॉल होता है तो लॉन्ग पोजीशन ट्रैप हो जाएंगी, तो एक शार्प फॉल फास्टर फॉल में देखने को मिल सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।